गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर सब्जेक्ट साइंस चैप्टर थ्री, चैप्टर्स नेम एडेप्टेशन इन एनिमल्स, फिफ्थ पे चल रहा है। लेट अस लर्न अबाउट एम्फीबियन। आज हम लोग एम्फीबियन एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। एम्फीबियन आर द एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। एम्फीबियन एनिमल वाटर और लैंड यानी जमीन में और पानी में दोनों में रहता है। फ्रॉग्स, टोड्स, निप्स, ईटीसी आर सम एम्फीबियन, ये सब एम्फीबियन एनिमल का उदाहरण है जो लैंड में भी रहता है और वाटर में भी रहता है। व्हेन ऑन लैंड दीज एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। व्हेन ऑन लैंड, जब वह पृथ्वी पर होता है, जमीन पे होता है, तब वह ब्रीथिंग क्रिया जो है लंग्स के द्वारा होता है। व्हेन इन वाटर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, जब वह जल में होते हैं तब वह स्किन के द्वारा ब्रीथिंग क्रिया करता है। फ्रॉग हैव वेबेड हिंड लेग विच हेल्प देम टू स्विम। ये जो वेबेड हिंड लिंग है वह उसे तैरने में मदद करता है, जल में तैरने में मदद करता है। एक क्रोकोडाइल इज ए रिप्टाइल दैट इज फाउंड इन और नियर वाटर, इट हैज ए लॉन्ग एंड स्लेंडर बॉडी। इसका शरीर की संरचना, इसे क्रोकोडाइल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो जल में पाए जाते हैं, उसकी संरचना सिलेंडर लाइक होता है। इट स्विम इन वाटर विथ द हेल्प ऑफ इट लेग्स एंड टेल, और वह उसका जो लेग है और टेल है जो उसे तैरने में मदद करता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।